क्या आपको कोका कोला के इस मार्केटिंग कैंपेन के बारे में पता है, जो कोका कोला के सेल्स को तो बढ़ाया है लेकिन साथ में इस कैंपेन ने कोका कोला और उसके कस्टमर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट किया। 2011 में कोका कोला ने ऑस्ट्रेलिया में इस कैंपेन को शुरू किया जो एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया। इस मार्केटिंग कैंपेन का नाम था फेयर को। इस कैंपेन को स्टार्ट करने के पीछे कोका कोला का मोटिव था कि वो अपने और अपने कंज्यूमर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर पाए। इस कैंपेन में कोका कोला ने अपने बॉटल्स को कस्टमाइज किया और उसमें लोगों के नाम लिखे, वो नाम जो ऑस्ट्रेलिया में कॉमन थे। ये करना कोका कोला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। आइडिया बहुत सिंपल था लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। लोगों ने जब इन बॉटल्स को खरीदना शुरू किया और उन बॉटल्स में अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स का नाम देखा तो वो इस बॉटल्स को उनके साथ शेयर करने लगे। इस कैंपेन से कोका कोला को ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला जिससे इनके सेल्स और ब्रांड एंगेजमेंट दोनों बढ़े। यही नहीं, जब ये कैंपेन ऑस्ट्रेलिया में सक्सेस हुआ तब उन्होंने इसे ग्लोबली एक्सपेंड करने का सोचा। ऑस्ट्रेलिया के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज में इस कैंपेन को शुरू किया गया। इस बार इन्होंने सिर्फ बॉटल्स को कस्टमाइज नहीं किया बल्कि बॉटल्स के साथ साथ कैंस, बिलबोर्ड और भी बहुत सारे मार्केटिंग मटेरियल्स को भी कस्टमाइज करना स्टार्ट किया। पर इतना